सूरजपुर जिले के आंगनबाड़ी संघ और कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी की खुशी में भूपेश सरकार के प्रति एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार को धन्यवाद दिया। जी हां, बात करें सूरजपुर जिले के तो आंगनबाड़ी संघ के कार्यकर्ता और महिलाओं ने भूपेश सरकार के प्रति अपनी मांगों को लेकर जो वेतन बढ़ोतरी की थी, सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। इन्होंने भी जमकर सरकार को खुशी जाहिर की और धन्यवाद दिया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर होली का जश्न मनाते दिखे। आंगनबाड़ी संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है, आने वाले दिनों में भूपेश काका ने हमारी बातों को मानी, इसलिए आने वाले दिनों में हम फिर से भूपेश काका को छत्तीसगढ़ में लाएंगे। आंगनबाड़ी की माताएं बहनें काफी खुश दिखे। 41 दिन धरने के बाद आखिर हमारी बात सरकार को माननी पड़ी। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका फायदा जरूर मिलेगी। नमस्कार, टीवी 36 हिंदुस्तान में इस समय विनोद गुप्ता सूरजपुर जिले के मैं महिला बाल विभाग ऑफिस में खड़ा हूं और यहां आंगनबाड़ी सहायिका संघ माताएं बहनें यहां पर खड़े हुए हैं और आज मुख्यमंत्री को आज अपने एक दूसरे को रबी गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दिए हैं और मुख्यमंत्री को बधाई भी दिए हैं कि हमारे 40 दिन संघर्ष करने के बाद आज हमारी बातें को सरकार को माननी पड़ी और आगे भी हम सरकार से मांगे रखेंगे और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। आइए मैं इनसे भी जानूंगा कि किस प्रकार आप लोग आज खुशी महसूस कर रहे हैं। भूपेश सरकार आपको होली का गिफ्ट दिया और आज होली के दिन आप लोग को ऐसे खुशी का माहौल पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पीछे 40-42 दिनों से आप लोग खाई 40 दिन के बाद आप लोग बहुत मेहनत के लिए डटे रहे शासन के आगे और ये महिला दिवस का भी समय है। इस अवसर पर उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया। कार्यकर्ता सहायिका बहनों की तकलीफों को समस्याओं को सुना है, समझा है, इसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि हम सभी माता और बहनें इतने कम पैसे में 6,500 में घर का खर्चा और उनके समाज के बच्चे जो गर्भवती माता शिशुवती माता उनको हम पूर्ण सेवा अपने दिल से देते हैं, है ना, समय देते हैं। उसके बाद हमारे लिए जो सैलरी था वो बहुत ही कम था, उसको इन्होंने 10,000 किया, इसलिए वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं भूपेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे काका हमारे प्रदेश के मुखिया को हम बहुत बहुत हम कार्यकर्ता सहायिका बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज होली के त्यौहार को हमारी खुशियों को बेचार चांद लगा दिए हैं और कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिका बहनों को 5,000 दिए। हम सभी कार्यकर्ता 40 दिन से हड़ताल पर थे और आज हमारे जो हड़ताल था आज वो सफल हुआ। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे काका को, छत्तीसगढ़ के मुखिया को। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं आंगनबाड़ी के संघ के कार्यकर्ता जो भी हैं और मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उन्हें बहुत भरोसा है कि आगे भी सरकार हमारी बात को मानेंगी जरूर और हम सरकार को आने वाले चुनाव में आशीर्वाद भी देंगे। तो विनोद गुप्ता की 36 हिंदुस्तान की रिपोर्ट।